दर्जेदार शिक्षणाबरोबर 100% नोकरीची हमी। मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग, सिव्हिल इंजिनिअरिंग, केमिकल इंजिनिअरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग, कम्प्युटर इंजिनिअरिंग शिक्षण देणारी मान्यता प्राप्त संस्था श्रीमती गीता द तटकरे पॉलिटेक्निक गोवे कोलाड। अनुभवी व तज्ञ शिक्षक वर्ग, अद्ययावत शैक्षणिक सुविधा, विद्यार्थ्यांसाठी बसची सुविधा, सर्व प्रकारच्या शिष्यवृत्ती, शैक्षणिक कर्जाची सुविधा। प्रवेश निश्चित करण्यासाठी आजच कॉलेजला भेट द्या। उल्हासनगर मधील कॅम्प क्रमांक 4 येथील मुख्य बाजारपेठेत असलेल्या सिद्धिविनायक कलेक्शन या दुकानात मंगळवारी रात्री चोरी झाली। यावेळी चोरांनी दुकानातील गल्ल्यात असलेली 1 लाख रुपयांची रोकड लंपास केली। दरम्यान दुकानात असलेल्या CCTV कॅमेऱ्यात चोरटे चोरी करताना कैद झाले। याबाबत दुकान मालकाने विठ्ठलवाडी पोलीस ठाण्यात तक्रार केली असता CCTV आधारे विठ्ठलवाडी पोलिसांनी 24 तासात एका अल्पवयीन चोराला अटक केली असून या आरोपीकडून पोलिसांनी चोरीची काही रक्कम ताब्यात घेतली आहे। अन्य रक्कम चोराने कुठे दिली, कुठे खर्च केली याचा विठ्ठलवाडी पोलीस तपास करीत आहेत। आज हमारे सिद्धिविनायक दुकान में 1 लाख रुपये कैश चोरी हुआ है और यही दुकान में 4 दिन पहले चोरी हुई थी। उस टाइम पे पीछे राम केबल वाला करके हमारा दुकान है, उसी दुकान में 25,000 वहाँ पे भी चोरी हुआ है और इसी 4 दिनों में 4 चोरी के मामले साथ में आए। साथ में सदगुरु कलेक्शन है हमारे सामने, थोड़ा उधर 10,000 कैश और साथ में उनका थोड़ा माल चोरी हुआ है और RS मोबाइल्स है वहाँ पर भी उनके 4 मोबाइल्स चोरी हुए हैं और थोड़ा कैश वहाँ से चोरी हुआ है। इन चोरियों की वजह से पूरे मार्केट में दहशत का माहौल बना हुआ है और व्यापारी थोड़ा डरे हुए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से पुलिस प्रशासन में थोड़ा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द चोर को पकड़ा जाए और व्यापारियों को चैन की सांस ले जाए। सिद्धिविनायक कपड्याचं दुकान आहे कॅम्प नंबर 4 मार्केटमध्ये आणि या ठिकाणी 25/8/2020 रोजी रात्री 2:30 सुमारास त्या घरा दुकानात एक चोरी झाली होती। चोरीमध्ये 1 लाख रुपये रोख व सामान गेलेले होते। तर त्याच्यात 8 तासात पोलिसांनी तो गुन्हा उघडकीस आणलेला आहे आणि यामध्ये PSI राजपूत व डिटेक्शन टीम या सर्वांनी चांगलं काम केलेलं आहे। विठ्ठलवाडी पोलीस स्टेशनच्या नेमणुकीतील हे सर्व अधिकारी कर्मचारी आहेत आणि त्यांनी चांगलं काम करून 8 तासात हा गुन्हा उघडकीस आणलेला आहे। आरोपी हा अल्पवयीन आहे आणि आम्ही याच्यात रिकव्हरी करत आहोत। ब्युरो रिपोर्ट, महाराष्ट्र न्यूज 24।